लाख रुपया लगा के अब इसमें काम में है कि 1 लाख रुपया लगाए और 1.5-2-3 लाख रुपया बचाए। तो आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे ये बात भी सुनेगी और ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे अभी ये सारी की सारी अमाउंट टोटल करके टोटल पीकेआर में कन्वर्ट करके बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये टोटल कितनी अमाउंट बन रही है? सपोज चलें अभी हम यहीं पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, CLC कैलकुलेटर ऑन हो गया, 144+ बाकी भाई अभी रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि ये प्रीवियस पिछले मंथ रिसीव हुआ है आपकी आंखों के सामने है और वो अभी देखिएगा इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये जो डॉलर्स के अंदर किए कुछ पाउंड्स हैं कुछ हर चीज़ लेकिन उसको मैंने डॉलर्स में इंक्लूड किया तो मोटा मोटा ये $22,930 बनता है। ठीक है, हम इसको डॉलर्स में करते हैं। तो अच्छा, बिफोर द टाइम कि आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, आप मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ कि लाइक ये अभी तो आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई $22,000 बनाने में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि $3,3500 जो है ना इसकी कॉस्ट आती है कि जिसमें ये बनता है 63,84,000 जिसमें से अभी मैंने कुछ 5,000 अकाउंट मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे पर्सन से मिलवाने जा रहा हूँ जो अपनी फील्ड के अंदर एक इतने प्रो लेवल का पर्सन है। सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि इसका रेवेन्यू कितना बना है, इसने कितना रेवेन्यू अब तक बनाया है, फिर उसके बाद इनका इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले भाई आप अपना रेवेन्यू दिखा दें, आपने अभी तक रेवेन्यू कितना बनाया है और किस तरीके से बनाया है, और मेरे कुछ चंद इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो तमाम यूजर्स के लिए हैं और आई होप कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले आप अपना रेवेन्यू दिखाएं कि आपने अभी तक कितना रेवेन्यू बनाया है। वालेकुम सलाम बॉस, आप सबसे पहले तो एक साथ स्टार्ट करूंगा कि आप हमारे बॉस हैं तो आपको देख देख के इंस्पिरेशन से ये थोड़ा बहुत जो जितना भी है बस आपके लेवल पे ये थोड़ा सा ही है लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ लोगों के मोटिवेशंस के लिए। अव्वल आपको पता है कि ये चीज़ें आजकल दिखाते हुए भी परेशानी होती है लोगों को और काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन ये आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये हम लाइव इसको दिखाते हैं। सबसे पहले तो ये एक सबसे बड़े से स्टार्ट करते हैं, $12,698 का ये रेवेन्यू है ये जो कि June 24 को रिसीव हुआ है। एक बार मुझे ना रिफ्रेश करके दिखा दें इस अकाउंट को जरा। जी बिल्कुल सर, रिफ्रेश करके दिखा देते हैं सर आपको, रिफ्रेश Ctrl+R और इसके साथ ये रिफ्रेश हो जाएगा। अच्छा, जितने तक रिफ्रेश हो रहा है आज की कैलेंडर की डेट भी दिखा दें कि आज डेट क्या है। जी आज डेट है जी, ये देख लें 8th of July। ठीक है, और जो अभी रिफ्रेश हो रहा है साथ ही तो इसके साथ ये भी आपको दिखा देते हैं कि ये दोबारा रिफ्रेश हो जाए, बस थोड़ा सा मिनट। यानी आज 8 जुलाई है और आज जो रेवेन्यू मतलब के पिछले मंथ रिसीव हुआ है वो आप दिखा दें जरा। जी बिल्कुल, डेट भी साथ मेंशन कीजिएगा कि किस डेट को हुआ है। ये देखें ये डेट है June 24 और ये इसकी है $12,698 की और इसकी इनवॉइस भी ये दिखा देता हूँ। ये तो चले अब इसके ऊपर भी कोई क्लेम करे ये फेक है तो फिर तो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है जी, ये हो गया और फिर इसके साथ फिर छोटे मोटे रेवेन्यूज ही हैं सर ये तो। वन बाय वन करके दिखाते जाएं और ये लगभग एक मैं आपसे छोटी सी एक बात पूछता चलूं कि ये रेवेन्यू टोटल अगर राउंड फिगर करें तो ये एक मंथ का रेवेन्यू है? ये एक मंथ का रेवेन्यू है। यानी आप इतने ज्यादा अकाउंट्स आप एक ही दफा हैंडल करते हो और सारा रेवेन्यू ये? जी बॉस, ऐसे ही है कि मैं मल्टीपल अकाउंट मैनेज करता हूँ जिसपे पर मंथ 30-40 अकाउंट्स होते हैं तो उसके लिहाज से फिर क्योंकि एक दो अकाउंट्स पे हम वर्किंग करते हैं तो डेफिनेटली आपको पता इनवैलिड भी लगता है और सारा कुछ होता है। तो जब हमारी इतनी इन्वेस्टमेंट में इतनी बल्क में काम करता हूँ वो डेफिनेटली मुझे अच्छा प्रॉफिट भी हो जाता है, मेरे तमाम लॉसेस भी रिकवर हो जाते हैं। और ये जितना भी रेवेन्यू बना है ये राउंड अबाउट कितना रेवेन्यू बना होगा एक मंथ का? ये सर 20-25,000 तो मिनिमम है, बाकी अब इसको एंड में हम कैलकुलेट भी कर लें कि जितना भी है। अच्छा, जिस रेवेन्यू को दिखाते जा रहे हैं वो साथ साथ आप रिफ्रेश करके दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इसको भी रिफ्रेश कर चुका हूँ एक दफा, फिर भी दोबारा इसको दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये भी साथ साथ रिफ्रेश ही होता जाएगा। तो ये रिफ्रेश हो गया और ये साथ में इसकी ये इनवॉइस जनरेट हो गई। ठीक है, और इसकी ये इनवॉइस भी दिखा देता हूँ, ये $2,980 यानी एक मंथ में ही रिसीव हुआ है। जी जी बिल्कुल, और ये June 5 का है। ठीक हो गया, और फिर इसके साथ इसकी चले इनवॉइस भी दिखा दे फिर ये कुछ रह ना जाए। ठीक है, तो रेंटीज का इशू नहीं है, ये हम सर्विसेज लेते हैं, इसका एड्रेस वगैरह का इतना कोई इशू नहीं है, इसको आप हाइड ना भी करें तो वो कोई इशू नहीं है इसका।
ठीक है, तो ये 15 भी देख लेते हैं, ये है $209, ये भी June 24 का है, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ साथ साथ, तो डेफिनेटली ये देखिए ये सिर्फ $209 ठीक हो गया, यानी आप मल्टीपल अकाउंट्स के ऊपर काम करते हैं और जी। जितना भी रेवेन्यू रिसीव होता है, चाहे वो अकाउंट क्लोज हो गया है या चाहे और सम टाइम तो ये भी होता है कि मैं देखता हूँ कि रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है और दो दफ़ा कभी रिसीव हो रहा है, कभी 3 दफ़ा रिसीव हो रहा है, तो ऐसा भी आपके साथ हुआ है कभी? नहीं सर, मेरे साथ ऐसा कभी हुआ नहीं, 2 दफ़ा रिसीव होने वाला तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन ये कि पेमेंट्स आती जाती रहती हैं हमारे पास, तो डबल वाला कभी इंसिडेंट नहीं हुआ। समटाइम्स एक दफ़ा तो हुआ था कि हमारा पेमेंट यहाँ से ब्लू टिक भी हो गया था, और ब्लू टिक के बाद उसके बाद पेमेंट कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई कैंसिल हो थी। गई, और उसके अंदर से वो रिवर्स भी हो गई थी, ओके गूगल की हाँ तरफ से माइनस, और वहाँ पे माइनस के ऊपर ओके, लाइन में यानी आ गया था। अमाउंट पहले उन्होंने भेज दी, फिर भेज दोबारा दी, से उन्होंने रिवर्स। रिवर्स रिवर्स हो गई वहाँ से, ओके बैंक के थ्रू हो गई। ठीक है, ये लास्ट मैंने अभी आपको दिखाया 2100 का, इसका भी मैंने रिफ्रेश कर दिया, लेकिन बट दोबारा एक दफा कर लेते हैं, बाकी आप उसको देख लीजिएगा यानी ये तमाम पेमेंट्स और तमाम पेआउट्स इसी मंथ के ही जी। ये हैं। देखें, ये 20 जून, 24 जून, और इस तरह से ये इसी तरह से ही है ओके नेक्स्ट आप दिखाएं, जी। ये 1700 का है, इसे भी जरा रिफ्रेश इसका करते मैं हैं। रिफ्रेश कर देता हूँ इसका। हाँ, इसका थोड़ा सा इशू इसका ये आया था, इसके ऊपर आई होप डेट कि ईद की छुट्टियां वगैरह थी, तो ये पेमेंट ऑटोमेटिक कैंसिल हुआ। ठीक है, यहाँ यानी पे ये टोटल पेमेंट दोबारा से, अच्छा ये जो पेमेंट कैंसिल हो के आपके टोटली अकाउंट में आ गया है अकाउंट एंड एडसेंस ये में आ री गया अगेन आपके दोबारा जी। अकाउंट में आ डेफिनेटली जाएगा। डेफिनेटली ये दोबारा वापस आ गया। देखिए यहाँ पे इसका एक क्या था कि ये ब्लू टिक हो गया हुआ था, पेमेंट इन्वॉइस जनरेट कर दी थी, बट वो वहाँ पे कोई बैंक ने एक्सेप्ट नहीं किया या कोई इश्यूज ग्लिच आया था, इसकी वजह से ये वापस एडसेंस में बैलेंस आ गया हुआ। तो अब इसका देखते हैं इसके ऊपर ये कब तक रिलीज होता है। और इसके साथ फिर ये है $387 का, ये ये 2 जुलाई भी को रिसीव हुआ है। जी, ये अच्छा भी ये कुछ समटाइम ऐसा भी होता है कि बाज दफा 21 को पेमेंट रिलीज होने के बाद जाए आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि 2 को क्यों रिसीव हुआ है, तो ये आगे चल के हम आप तमाम दोस्तों को बताते हैं कि और ये किस तरह से रेवेन्यू बन रहा है ये भी इनसे जानेंगे। अब अभी तो आप ये देख रहे हैं कि एक छोटा सा सेटअप लेके इतना ज्यादा रेवेन्यू किस तरह से बन रहा है, जो कि अभी आप तमाम दोस्त इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। एंड बहुत ज्यादा शुक्रिया मैं आपका इसको भी जो रिफ्रेश कर देता हूँ यानी वन टाइम के अंदर अपने तमाम अकाउंट्स दिखा रहे हैं। कोई भी ऐसा यूट्यूब के ऊपर यूजर नहीं होगा जो वन टाइम के अंदर अपने सारे अकाउंट्स दिखा रहा है, दिखाता है और बताता है कि भाई हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है। सो वन बाय वन करके हमें रिफ्रेश भी करेंगे अकाउंट्स को, जरा इस अकाउंट को भी ना रिफ्रेश कर दें। जी। मैंने ऑलरेडी किया, इस दफा दोबारा कर देता हूँ इसको और ये यूके का अकाउंट है, जी। ये यूके का अकाउंट है आपको पता है कि यूके के अकाउंट के पाउंड्स भी काफी ज्यादा महंगे होते हैं जी, और जबकि डॉलर्स जो होता है उसका थ्री थोड़ा सा फिफ्टी थ्री रेट के इस टाइम सस्ता पे होता चल है। रहा है, 353 का PKR के अंदर अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 353 रुपीज़ के अंदर आ रहा है, और अगर हम उसको पेनियर में कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है 10 रुपये वैसे ही चार्जेस कम होते हैं। सर रिफ्रेश करके दिखा दिए कि 1800 की ये इसकी इन्वॉइस है, तो ये इन्वॉइस भी दिखा देते हैं, इसको पता है कि यहाँ से तो क्लिक करके हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप इतनी ज्यादा, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा सवाल भी है कि चलिए आप इतने तक नेक्स्ट पेमेंट्स दिखाएं। 825 पाउंड्स की ये भी पेमेंट है, इसको भी रिफ्रेश कर दिया, और हम इसको भी देख लेते हैं एक दफ़ा ये क्या ओके कहता है। और ये भी वहीं के वो सही बात है कि ये 825 पाउंड ही हैं जो कि ये निकले ये हैं। ठीक ओके है ठीक है, ये यानी आपकी 24 जून को 21 से 24 के दरमियान ये पेमेंट जी रिसीव्ड जी हो गया, बिल्कुल ऐसे ही है ठीक हो गया। ओके जी। नेक्स्ट के ऊपर जरा जाएं। और ये हमारी सब बस ये थी कि कम टाइम की वजह से कुछ होते हैं अकाउंट्स, इन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं रहती है टाइम की लिमिटेशन की शॉर्टेज की वजह से, क्योंकि आपको जैसे कि बताया कि काफ़ी सारे अकाउंट्स होते हैं किसी आगे चलते रहते हैं अकाउंट्स। मैंने बेसिकली क्या कि थोड़ी सी टीम्स यहाँ पे मेरे पास 6 to 7 persons की मेरे पास अपनी पर्सनल टीम है, उसके बाद कोई 2 से 3 मेरे बंदे फ्रीलांसिंग पे मतलब आउटसाइड ऑनलाइन काम कर रहे हैं, उनके अंडर आगे 3 से 4 बंदे, आगे एक टीम और है जो कि उसके पास 3 से 4 बंदे और हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं इस चीज़ को इंक्रीज कर रहा हूँ कि डेफिनेटली एक चीज़ है कि हम आगे दे देते हैं चीज़ें कि हम आगे टीम्स डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, टीम डेवलपमेंट से क्या होगा कि डेफिनेटली एक आप भी सिक्योर है, अगला भी सिक्योर है, और रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, जिसमें क्या होता है कि मैं इसमें गाइडेंस आपसे तो डेफिनेटली हमने बहुत कुछ सीखा हर चीज़ है, तो इसमें अब MLM की तरफ हम इसको जाना चाह रहे हैं कि एक के ऊपर एक और फिर उसके साथ टीम्स डेवलप हो जाएँ। ओके मेरे कुछ अब क्वेश्चंस हैं। आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे रेवेन्यू सारे देख लिए हैं, आप तमाम दोस्तों को एक चीज़ यहाँ पे ये बताते चलूँ कि अब भाई से ये पूछते हैं कि सबसे पहले तो आप भाई अपना नाम बता दें, आपका नाम क्या है और आप ये कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, और मैं ये गूगल एड्स लोडिंग का काम कर रहा हूँ। बेसिकली ये जितने भी अकाउंट्स आपने देखे, ADX
अमाउंट थी ये सारी। ये सारी अमाउंट्स एडसेंस। ओके, कुछ यूजर ये यहाँ पे ये भी कहते हैं कि अक्सर एडसेंस की पेमेंट होती है ये एडीएक्स की, तो भाई ने बता दिया कि ये एडीएक्स की, ये सारी एडीएक्स सभी एडीएक्स की अमाउंट्स हैं, सब सारी की सारी एडीएक्स। और ये सारा रेवेन्यू बनाया किस तरह से है? ये सारा लोडिंग प्रोसेस वगैरह। ओके, ये सारा यानी एडसेंस लोडिंग से ही बनाया है। ओके, तो अच्छा यहाँ पे एक चीज ये बताएं कि लाइक ये अभी टोटल इसकी कैलकुलेशन करें तो ये कितनी एक अमाउंट बन जाती होगी राउंड अबाउट? लास्ट टाइम जो मुझे, अगर मैंने कुछ अकाउंट्स इसमें से एक दो हैं जिनके भी पेमेंट्स रिलीज नहीं हुई है, वो मैं नहीं शुक्र आ रहा, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली आपको तो पब आईडीज हैं, क्लेम्स वगैरह हो जाते हैं, तो इस वजह से उस चीज को मैं अभी रिवील नहीं कर रहा है। तो राउंड अबाउट मेरा कोई 30 to 35,000 का रेवेन्यू है ना वो ईच मंथ। ओके, यहाँ पे आप तमाम दोस्त देख सकते हैं कि $35,000 यानी लगभग आप कह सकते हैं पाकिस्तानी रुपीज में 1 करोड़ के करीब करीब अमाउंट बनती है। जो पर्सन पर मंथ बैठ के 1 करोड़ रुपया कमा रहे हो, बना रहे हो, तो आप सोच सकते हैं कि आप लोग भी ये काम घर बैठे कर सकते हैं। बट हमसे पूछते हैं कि ये किस तरह से कर रहे हैं, उस तरफ भी आगे जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मेरे चंद इनसे सवाल है कि एडसेंस लोडिंग के इस काम के अंदर आपकी कॉस्ट कितनी जाती है? एक होता है ना कि बंदे को बताओ कि भाई मेरी इतनी कॉस्ट लग गई है और मुझे इतना रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आया है। बेसिकली चलें अब लास्ट मंथ की मैं अपनी वर्किंग की बात कर देता हूँ कि मैं बेसिकली जो प्रोसेस यूज करता हूँ वो जीबीस में होती है। ओके, और राउंड अबाउट मेरा लास्ट जो 1200 जो है ना जीबीस का डाटा कंज्यूम हुआ, और वो मैं बेसिकली आईपी रॉयल को यूज करता हूँ। आईपी टू वर्ल्ड था बट उसका एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं गया, सस्ती है, चीप है, बट वो मैं उसको रिकमेंड किसी को भी नहीं करूंगा। आईपी रॉयल ये है कि $3 अगर आप बल्क में डाटा लेते हो तो $3 to $4 पर जीबी उसका होता है, तो वो आप खुद उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे वो कितना होता है इन्वेस्टमेंट। यानी राउंड अबाउट आपका इन यानी $30,000 to $35,000 बनाने में कितनी अमाउंट की कॉस्ट गई है? एक एग्जैक्ट राउंड अबाउट तकरीबन 3,000 to 4,000 के राउंड, 4,000 के राउंड अबाउट मेरा टोटल एक्सपेंस। लाइक यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर हम लोग $3,000 की स्पेंडिंग करते हैं तो साथ अगर $30,000 बन रहा है तो ये कितना बड़ा एक प्रॉफिट है। लेकिन जहाँ पे आप लोग ये देख रहे हैं कि ये इतना बड़ा प्रॉफिट है, तो क्या इसमें रिस्क भी है या रिस्क फ्री है? डेफिनेटली अभी लास्ट टू मंथ्स पहले मेरा £47,000 का लॉस भी हुआ है। यानी उसके ऊपर आपकी कॉस्ट कितनी गई थी? उसके ऊपर भी डेफिनेटली सेम $4,000 to $5,000। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये काम एक ऐसा काम है कि जिसके अंदर लॉस भी है एंड बेनिफिट भी है। लाइक भाई बता रहे हैं जैसे कि £5,000 का लॉस हुआ, £5,000 की वजह से इन्होंने £45,000 बनाए, बट $5,000 जो था वो भी लॉस में चला गया और वो अमाउंट भी इन्वेल्यूड में चली गई और वो अकाउंट बच गया था या क्लोज हो गया? अकाउंट भी सारे क्लोज थे, अकाउंट भी सारे क्लोज हो गए थे। तो इस काम में मतलब कि रिस्क भी है और साथ साथ बेनिफिट भी है। अच्छा ये चीज बताएं कि आप कौन सी प्रॉक्सीज को यूज करते हैं? बेसिकली काफी सारी प्रॉक्सीज को मैं मिक्सअप करके यूज करता हूँ, जिनमें से सबसे टॉप पे मैंने आपको बताया कि मेरा फेवरेट जो है वो आईपी रॉयल है। उसके बाद टाई सॉक्स भी मैं पहले यूज करता रहा हूँ, डिश भी सॉक्स भी काफी मैंने यूज की है, वेब शेयर भी मैंने काफी यूज की है, ठीक है। वेबशेयर का रेवेन्यू आजकल थोड़ा ड्रॉप हो रहा है, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नहीं हूँ, लेकिन उससे अच्छा जो है लूना प्रॉक्सी टाइम पे बस जा रही है, जितना भी ये रेवेन्यू जनरेट हुआ है ये लूना के ऊपर ही हुआ है। ओके, काफी ज्यादा यूजर मुझसे ये पूछते हैं कि कौन सी प्रॉक्सीज बेस्ट हैं कौन सी नहीं, तो आज हम लोग उन यूजर्स की ही मतलब कि आप इनकी जबानी ही सुन सकते हैं कि कौन सी प्रॉक्सी बेस्ट है, किन प्रॉक्सीज की वजह से रेवेन्यू जनरेट हुआ है। सम यूजर कहते हैं कि आईपी टू वर्ल्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन आप तमाम दोस्तों को बताते चलो कि जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा हो वो चीज ना यूज करें तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मुझे एक चीज बताएं कि आप इतने ज्यादा अकाउंट्स को यूज कर रहे हैं, क्या आप फ्रेश अकाउंट्स को यूज करते हैं या पेमेंट रिसीव्ड अकाउंट्स को यूज करते हैं? मैं टोटली फ्रेश अकाउंट से वर्किंग करता हूं, टोटली फ्रेश के ऊपर। पेमेंट रिसीव के ऊपर एक दो से तीन चीजें होती हैं। देखें पेमेंट रिसीव पे आगे जिसने पेमेंट रिसीव किया उससे भी डेफिनेटली लोडिंग की है, उसकी आपको लोडिंग का क्राइटेरिया नहीं पता, और कुछ ये कहते हैं कि जी इसको थोड़ा सा करवाएं। बेसिकली जो अच्छा स्टेप हो यही होता है कि इसको ऐसा ऐसा ग्रो अप करें। अगर आपने अकाउंट बचाना है, मुझे अकाउंट बचाने का नहीं होता, मुझे जस्ट रेवेन्यू जनरेट और रेवेन्यू निकालने का है, तो इसलिए मेरे लिए अकाउंट उठ जाए। मैं तो यही कहता हूँ कि अकाउंट उठ गया तो सपोज कि वो इन शॉर्ट यही होता है कि वो पेमेंट सिक्योर है, क्योंकि आपके पास कंपनी रिजेक्ट, आपके पास कंपनी के बैकएंड नहीं है, आपके गूगल का एंड नहीं है, वो इसने एक दफा जो एडसेंस में ऐड करके उसने कर लेना और वो आपकी पेमेंट वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा मेरा एक सवाल है कि आप एडसेंस की बजाय एडीएक्स पे ही क्यों काम कर रहे हैं जबकि एडसेंस पे भी तो कर सकते हैं? एडसेंस का बेसिकली मैंने सबसे पहले स्टार्ट ही एडसेंस से किया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एडसेंस पे भी काफी अच्छे अच्छे अमाउंट बनाए थे कि लाइक मेरा एक रेवेन्यू था एडसेंस के ऊपर $35,000 की मैंने उसके जो पे आउट निकाले थे मल्टीपल अकाउंट्स के साथ। मेरे साथ एक इंडियन पार्टनर है जिसके ऊपर साथ हम मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो स्टार्टिंग में उसने मुझे सपोर्ट की थी और सारा कुछ किया था, और डेफिनेटली फिर गाइडेंस भी थोड़ी सी मिली, फिर आपकी वीडियोस भी साथ साथ चलती रही और उसके साथ हमने उसको नॉलेज को गेन किया, फिर आपके साथ कॉन्टैक्ट किया, तो डेफिनेटली फिर इसके साथ साथ मिलजुल के सारा काम करते रहे। एट द एडीएक्स का ये था कि एडीएक्स पे डेफिनेटली एक एड लिमिट नहीं लगती है,
एड लिमिट के साथ इसकी कहने में ई सी पी एम आप बूस्ट करते हैं तो ई सी पी एम के एड्स अच्छे आते हैं, वो डेफिनेटली आपके आर्टिकल्स के ऊपर होते हैं, डेफिनेटली आपकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर होते हैं, किस तरह से आप उसके ऊपर वर्किंग कर रहे होते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पे एक चीज़ बता सकते हैं कि अच्छा आप ये बात आप तमाम यूज़र को भी पता होगा कि एडसेंस को हम लोग इसी वजह से नहीं यूज़ करते क्योंकि उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट बार बार आ जाती है, और जब एडवर्टाइजमेंट आ जाती है तो फिर एड्स भी नहीं आते और हम काम भी नहीं कर पाते। तो भाई के डेफिनेटली मुँह से भी आपने यही सुन लिया है, तो मुझे एक चीज़ बताएं कि आप मतलब कि अभी इतने ज़्यादा अकाउंट्स को यूज़ कर रहे हैं तो आपको खुद कौन से अकाउंट्स पसंद है? आप यूके को यूज़ करते हो, यूएसए या पाकिस्तान को? और यूज़र को क्या प्रीफर करेंगे अगर वो ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो कौन से अकाउंट्स को यूज़ करें? मैंने कोई ऐसा यूके, यूएस, कनाडा, जर्मनी, तमाम अकाउंट्स में मतलब मेजर टाइवन की कंट्रीज जितने भी थे, सबसे पहले जो अच्छा रिजल्ट दिया वो पाकिस्तानी अकाउंट्स ने दिया। उसके बाद यूके का, जैसे मैंने 47,000 पाउंड का किया था कि वो यूके में टोटली यूके पे था, तो ऐसे था कि मैंने यूके पे किया, वो मुझे एक ही दफ़ा यूके तो वहाँ में माइनस हो गया, लेकिन यूके बहुत अच्छा जाता है, तो उसकी वजह से मैं अब मल्टीपल्स यूज़ करता हूँ। उसमें मैं इंडियंस भी यूज़ करता हूँ, उसमें मैं पाकिस्तानी भी यूज़ करता हूँ, उसमें मैं यूके भी यूज़ करता हूँ। यूएसए मैंने छोड़ा हुआ है, यूएसए का इशूज़ क्या था कि हम ना एक पिन सर्विसेज लेते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आइडेंटिटी के लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और वो नहीं होता, और उसके साथ जो है ना कोई इस तरह की 110-200% सिक्योरिटी नहीं देता कि यार ये मैं आपकी आइडेंटिटी करवा दूंगा या कुछ भी होगा। डेफिनेटली अगर मैं किसी से बाय भी करता हूँ डॉक्यूमेंट्स, तो मुझे उसका कंफर्मेशन नहीं है कि क्या ये आगे और किसी के पास डॉक्यूमेंट्स तो नहीं गए हुए, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स के ऊपर, इंडियन आईडी कार्ड्स के ऊपर, यूके के ऊपर थोड़े से रिलेटिव वगैरह रहते हैं या और जानने वाले रहते हैं, तो उनके साथ हम लोग मैनेज करके उसकी आइडेंटिटीज वगैरह करवा लेते हैं। मेन जो इश्यूज होते हैं वो सिर्फ आइडेंटिटीज के होते हैं। बैंक आपको होता है पेनियर लग जाता है, वाइस लग जाता है, डिफरेंट काइंड ऑफ बैंक जो भी कर सकते हैं, उसका इशू नहीं है। अच्छा आप ये चीज़ बता सकते हैं इसके अंदर कि लाइक आप इतने ज़्यादा अकाउंट्स यूज़ करते हैं तो पिन पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़र कहते हैं कि आती है या नहीं आती, और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा यूज़र कहते हैं कि पिन नहीं आती और पाकिस्तान में भी नहीं आती, तो इस पर क्या कहेंगे? बेसिकली मैंने खुद ये 12,000 वाली जो अमाउंट थी इसके ऊपर खुद पिन का बहुत ज़्यादा फेस किया। उसके अंदर क्या था कि पहले पाकिस्तान के अंदर जो इशू था कि पोस्ट ऑफिस के ऊपर पिन आ रही थी, फिर उनका कॉन्ट्रैक्ट चला गया टीसीएस के पास, फिर टीसीएस की तरफ क्या था कि उनकी प्राइवेसी ब्रीच का ऑप्शन था कि अगर आप नंबर दे रहे हैं या कुछ दे रहे हैं तो वो पिन डिलीवर नहीं करते थे, नाम दे रहे नहीं कर रहे थे। अब आपने जिस आइडेंटिटी पे नाम करवाई है, डेफिनेटली उसका नाम सबसे पहले ऊपर गूगल देता है, ठीक है, वो उसकी वो प्राइवेसी ब्रीच नहीं है, क्योंकि उसके पास नीचे आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल एड्रेस देना है, सिंपल सिंपल एड्रेस देना, और आपको पोस्ट कोड जो आपका नियरेस्ट डाकखाना कह लें, पोस्ट ऑफिस कह लें, उसका आपको कोड पता होना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट आपको 7 to 8 days में पिन मिल जाती है। और आप क्या कोई पिन सर्विसेज भी देते हैं? अगर मिसाल के तौर पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र ऐसे भी होते हैं जिनको पिन का इशू आ रहा होता है पाकिस्तान में बैठे हुए, वो कहते हैं कि क्योंकि जिस बंदे की पिन नहीं आती वो कहता है कि पाकिस्तान के अंदर पिन आती ही नहीं है, तो ऐसा वैसे कुछ भी नहीं है? पिन कितने दिन में आपको रिसीव सेवन होती टू हैं? एट डेज में मिल रही हैं, 7 से 8 दिन में पाकिस्तान के अंदर भी पिन रिसीव हो रही हैं, क्योंकि बिल्कुल पहले क्या होता था कि पोस्ट ऑफिस के अंदर पिन आती थी, पोस्ट ऑफिस वाले मतलब कि उनका निज़ाम इतना ढीला था कि वो पिन को 30 दिन तक किसी को डिलीवर नहीं करते थे। बिल्कुल ऐसे ही अब एडसेंस वाले इस चीज को समझ गए थे, काफी ज्यादा इनको रिक्वेस्ट जा रही थी, काफी ज्यादा इनको फीडबैक्स जा रहे थे कि भाई ये काम नहीं ठीक हो रहा, तो उन्होंने इस कंट्रैक्ट को पाकिस्तान के अंदर टीसीएस को दे दिया। टीसीएस को दे दिया। टीसीएस अब बेसिकली एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका टोटली काम ही यही होता है कि पिन्स को फास्ट एज फास्ट जो भी उनकी डाक होती है वो उस यूजर तक डिलीवर करें। अब गूगल एडसेंस की जैसी टीसीएस की तरफ पिन आती है तो वो विद इन आप ये कह रहे हैं कि लाइक 7 डेज के अंदर आपको पहुंचा देते हैं। तो अच्छा मेरा एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि इतने ज्यादा आप अकाउंट्स यूज कर रहे हैं तो आपके जितने भी अकाउंट्स हैं कभी आपको इशू भी आया है कि आपकी कभी बड़ी पेमेंट कोई स्टक हो गई हो, या पेमेंट उसे कहते हैं अगर वो स्टक हो गई है तो वो बाद में आपको रिसीव हो गई हो? जी बिल्कुल, लास्ट पिंस की वजह से इशू था, जैसे कि अभी लास्ट 1700 का भी मैंने आपको दिखाया था कि इसकी भी थोड़ी सी रिवर्स हुई है और कैंसिल हुई है, वापस आ गई है। बाकी स्ट्रक होने का इशू मुझे इतना को खास नहीं है, डेफिनेटली आपको तो क्लोज है हो जाता है तो उसकी 30 डेज का क्राइटेरिया, आजकल वो भी थोड़ा सा लेट चल रहा है, होप डेट के कोई इशूज ग्लिचेस वगैरह उसके, तो स्ट्रक वगैरह का मुझे आज तक कोई इतना कोई खास ओके प्रॉब्लम काफ़ी नहीं। ज़्यादा यूज़र को ये इशू फेस आ रहा होता है कि भाई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल हो गई है, तो हाँ इसका क्या कोई सोल्यूशन होता है कि नहीं होता? सर, अगर इसका सोल्यूशन तो है अवेलेबल कि अगर वो पिन जनरेट हो गई भी है, अगर पिन जनरेट नहीं है, मैं बेसिकली लगा हुआ खुद इसी चक्कर में कि कुछ हिलजे में स्पोर्ट से भी बात करूँ, मैंने दुबई पे भी, दुबई ऑफिस पे भी मेरा भेजा फिजिकली बंदा, इंडिया ऑफिस में भी डायरेक्ट भेजा, तो अभी तक उनके पास उस तरह का एज सच कुछ नहीं है। उन लोगों का यही है कि ये जो हम आईडी कार्ड है या ये कुछ भी, ये मल्टीपल्स टाइम पे हो गया यूज हो जाता है, या वो ब्लरी होता है या कुछ इस तरह से होता है कि वो फेडेड, वो रीडेबल नहीं होता, क्योंकि अब जो मैनुअल पिन्स हो रही हैं वो डेफिनेटली पहले बॉट करता था, अब कुछ ज्यादातर वो मैनुअल्स के ऊपर भी आ गए, देख रहे होंगे अब उसके प्रोग्रेस में चली जाती है।
अब एआई के पास, उनके पास जो प्रोसेस होता है कि अगर वो फ्रेश कार्ड है और वो कहीं यूज नहीं हुआ, वो उसके नेम का बाय नहीं है, तो वो डेफिनेटली उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं। लेकिन समटाइम्स वो प्रोग्रेस में चला जाता है कि ज्यादातर आइडेंटिटीज, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी एक एक, और कोई पिन सर्विस वगैरह की आपने जैसे कि बात की थी, मैंने एक दफा ली जरूर थी, मैं फंस गया था, मैंने दो दफा ली फंस गया, मैं तीन दफा ली मैं फंस गया। तो उसके बाद थोड़ा सा गाइडेंस, थोड़ा सा कम्युनिटी में गया तो क्या इशू आ रहा है, लेकिन वो उन्होंने कहा जी सर्विसेज हैं देंगे हम। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा जी आपने सिर्फ एड्रेस नहीं लिखना, नाम नहीं लिखना, नंबर नहीं लिखना। उसने वहां से मुझे क्लियर हो गया कि यार ऐसे भी, फिर भी मैंने वो भी करके देखा, लेकिन फिर भी मेरी पिंस रिसीव नहीं हुई। फिर इसी तरह मैंने फिर अपने एड्रेसेस पे मंगवाई, मुझे वो पिंस रिसीव होना शुरू हो गई। और दूसरी अगर हमारी बात चल रही थी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जो आइडेंटिटी फेल हो गई। वेरिफिकेशन, अगर उसका, अगर उसके पिन निकल गई है और पिन आपको रिसीव होगी और आइडेंटिटी फेल्ड होगी, ये ज्यादातर इशू जो आया था वो इस वीक की वजह से आया था। कि क्या करते थे अवाम की आइडेंट $10 नहीं बनाने, उसके बाद क्या नाम है, हम लोगों ने उसकी एसवाइक डाल दी और उसकी वहां से वेरिफिकेशन डाल दी। वो डेफिनेटली वो जब होती थी, फिर उसके बाद वो एसवाइक वाला कहता था कि यार ये मेरे पास से हुआ नहीं, जनरेट रेवेन्यू बन रहा, वो उसके बाद आइडेंटिटी फील्ड का ऑप्शन डाल देता। मैक्सिमम जो चीज सिनेरियो आज भी मिल रहे होंगे वो यही है कि इसी वजह से हो रहे हैं। एसवाइक के जितने भी अकाउंट से, मैंने जितने भी अकाउंट पे फेसिस किए वो एसवाइक के अकाउंट थे। तो आप तमाम दोस्तों ने सुन लिया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का जो फेल का इशू आया था पहले, वो किसकी वजह से आया था कि यूजर ये काम कर रहे थे कि इजोई के ऊपर अप्लाई कर रहे थे, विदाउट $10 वेरिफिकेशन के एक ऑप्शन आ जाता था, और विदाउट $10 जब वेरिफिकेशन यानी एक किस्म को बाईपास कर रहे थे तो उसमें क्या होता था कि 10 वेरिफिकेशन हो जाती थी, पिन आ जाती थी, सब कुछ हो जाता था। जब वो आइडेंटिटी यानी एड्रेस वेरिफिकेशन हो जाती थी तो फिर बाद में गूगल ऑटोमेटिकली क्या करता था, वो देखता था जब $10 ही नहीं बने तो वो ऑटोमेटिकली आइडेंटिटी वेरिफिकेशन फेल कर देता था। तो खैर हम अगले टॉपिक की तरफ जरा चलते हैं। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप जो लोडिंग का मेथड यूज कर रहे हैं उसके लिए कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं? मल्टीपल ब्राउजर्स यूज कर रहा होता था मैं, जैसे कि गो लॉगिन हो गया, एड्स पावर हो गया और जेन लॉगिन हो गया। अब इसमें ज्यादातर मैं जो यूज करता हूँ वो एड्स पावर यूज करता हूँ, और वो भी सिर्फ पेड। पेड यूज लेने का फायदा है कि उसमें अनलिमिटेड आपके पास मैक एड्रेसेस होते हैं, अनलिमिटेड डिवाइसेस होती हैं। फ्री हम ट्रायल करते हैं, फ्री के अंदर सिर्फ यूजर एजेंट्स दो हैं, और इसी तरह वो रिपीटेशंस होंगे यूजर एजेंट्स, डेफिनेटली वो डिवाइसेस पे वो इनवैलिड लगेगा। जब हम पेड लेते हैं उसके अंदर अनलिमिटेड यूजर एजेंट्स होते हैं, अनलिमिटेड मैक एड्रेसेस होते हैं, तो इसलिए एड्स पावर के लिए उससे बेहतर। गो लॉगिन भी बहुत अच्छा है, अगर वो फ्री में चलता है, वो 7 डेज का वो 100 प्रोफाइल्स करते हैं, वो मैनुअल वर्किंग के लिए बहुत अच्छा तो अगर कोई, है। और दूसरा ये सवाल है कि आप मतलब कैसे कहते हैं ऑटोमेशन पे काम कर रहे हैं या मैनुअल काम करते हैं? बेसिकली ऑटोमेशन पे वर्किंग हम लोग कर रहे थे, तो उसके साथ क्या था, डिफिकल्टीज आती कि रेपिटेशन होती हैं आईपीएस के अंदर, वो जो है ना वो सेम ही चल रहा होता है, या तो बहुत अच्छा डेवलपर हो कि जो कि रैंडमाइजेशन वगैरह कर रहा हो, तो उसके लिए वो बेनिफिट से। मैंने 2013 में प्रोग्रामिंग की, उसके बाद फिर नहीं की, फिर उसके बाद क्या था कि मैं इतना बड़ा अच्छा प्रोग्रामर नहीं हूँ। बेसिकली मैनुअल वर्किंग के अंदर यही आता है कि मैनुअल वर्किंग एक सेफ है, क्योंकि उसमें रैंडमाइजेशन आप होते हैं, कभी स्क्रॉल रैंडम हो रहा है उसके अंदर, क्लिक रैंडम के ऊपर आ रहा है। ऑटोमेशन के अंदर जस्ट वो क्या है, तो आप एक एक चीज के ऊपर एक ही चीज आप स्क्रिप्ट कर देते हैं, वही ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, वो उसी चीज को क्लिक कर रहा है, तो उसमें वो डिटेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि चल रहे हैं, ये बात तो कंफर्म कर दी, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मजा किस में आता है? क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि यूजर कहता है कि भाई हमें ऑटोमेशन का काम ही बताओ, लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है कि भाई ऑटोमेशन के अंदर इन्वॉल्व ज्यादा लगता है? क्या गूगल डिटेक्ट कर लेता है उसे जल्दी? डेफिनेटली जो एक चीज देखे ना, आप वर्किंग कर रहे हैं, अब आप ऑटोमेशन दे रहे हैं, वो जावास्क्रिप्ट जेक्यूरी के थ्रू उसको क्लिक हो रहा है, और उसके ऊपर हम उसके ऊपर एच ओवर भी नहीं हो रहा। डेफिनेटली जब एक चीज के ऊपर माउस जाता है, माउस अपने एक नीचे यूआरएल अपना देता है, अब वो चीजें नहीं होती, वो डेफिनेटली वो हर चीज ट्रैक हो रही होती है। अब उसके ऊपर जैसे ही हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ऑटोमेशन के ऊपर क्लिक करते हैं, वो डेफिनेटली वो पीछे से स्क्रिप्ट होती है, जब स्क्रिप्ट निकलती है डेफिनेटली वो ट्रेसेबल है। तो आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे सुन लिया कि जो ऑटोमेशन का मेथड होता है एक्चुअली वो इतना पावरफुल नहीं होता। हाँ बहुत सारे ऐसे ऑटोमेशन पे मेथड होते हैं जो कि पावरफुल होते हाँ, हैं, लेकिन गूगल उसे वो भी डिटेक्ट कर डिटेक्ट लेते कर हैं, लेते हैं। क्योंकि उसके अंदर आप ये समझ रहे हैं कि जिस तरह भाई ने बताया कि जब माउस का कर्सर हो जाता है और एड के ऊपर जाने के बाद वो होवर भी नहीं होता और ना ही नीचे यूआरएल कोई बनाता है, तो जिसकी वजह से वो बहुत ईजीली डिटेक्ट हो जाता है। जबकि जो दूसरा मैनुअल यूजर काम कर रहा होता है वो एक एक क्यूरी को फुल फाइंड कर रहा होता है, तमाम चीजें कर रहा होता है, तो जिसकी वजह से रवानी बनता भी है और ड्रॉपिंग के भी कम इशू होते हैं। तो आपको कभी मैनुअल काम के अंदर भी इशू आया है? मैनुअल काम के अंदर बहुत कम रेयर चांसेस होते हैं जिसमें इश्यूज आ रहे होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं। अच्छा, एक मोटिवेशन के लिए मैं आपसे अगर ये बात करूं कि आपने 1 साल के अंदर कितना पैसा बना लिया होगा? राउंड बोर्ड अब कम से कम 1 साल के अंदर देखा जाए तो ये मेरा जो 2 से 3 महीने थे ये बहुत अच्छे गए। उससे पहले अगर मैं पीछे, मैं लास्ट 2 ईयर से ये वर्किंग कर रहा हूँ,
तो अगर लमसम में इसको देखा जाए तो एक्सपेंसेस वगैरह सारा कुछ डाल के डेफिनेटली इस काम में मैं वो नहीं करता कि पैसे बचाता हूँ। इसके अंदर मैं जितने पैसे कमाता हूँ मैं उससे ज्यादा आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सपेंसेस है। अब नॉर्मल बंदे के लिए अगर कोई पाकिस्तानी, जैसे कि नॉर्मल बंदा स्टूडेंट है या कोई और भी है, तो वो इतना रिस्क फैक्टर, वो $100 का रिस्क नहीं ले सकता। ठीक है, तो मैं आपको बताया मैं 3-3, 4-4 हज़ार डॉलर इन्वेस्ट करता हूँ, कुछ पैसे जाया भी होते हैं। तो इन शॉर्ट कह लें कि अगर मेरी 100K अबव मेरी जो है वो ईयरली इनकम होती है। ओके, यानी आप जो दोस्त ये कहता है कि भाई 100K डॉलर बनाना मेरे लिए मुश्किल काम है, तो वो आप तमाम दोस्त यहाँ से सबक भी हासिल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि जो ये समझता है ना कि भाई हम लोग काम कर ही नहीं पाएंगे, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। और जो बंदा पैसे लगाना नहीं जानता और जो समझता है कि भाई मेरे पास पैसा है ही नहीं और मैं फ्री में कोई काम सीख लूंगा, तो उसके ऊपर आप लोग क्या कहेंगे कि जो कहते हैं कि भाई मुझे सिर्फ फ्री में ही सीखना है। मैंने ना बहुत कोशिश की इस तरह पे गाइडेंस पे करने की, कि मेरे पास ग्रुप्स काफ़ी हैं, 400+ ग्रुप्स हैं जो कि लोडिंग के हवाले से हैं। उनमें काफ़ी सारे एडमिन्स मुझे जानते भी हैं, बहुत सारे अच्छे रीसेलर्स मुझे जानते हैं, बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। तो मैं कहता हूँ कि बगैर पैसे के ना कुछ भी नहीं होता। सपोज आपने एक साइट लेनी है, साइट एक उस टाइम पे जब हमने काम स्टार्ट किया था 25,000 की एक साइट थी, वो साइट उठते 2 मिनट नहीं लगते। अब एक नॉर्मल बंदा जो कमा 15-20-30 हज़ार रुपया रहा है, अगर वो इस चीज में आ रहा है कि, अब देखिए मैं एक चीज जानता हूँ यार, जो सपने देखते हैं लाखों डॉलर्स कमाने के, वो सारा कुछ करने के, हजारों डॉलर्स कमाने के, तो वो क्या चंद सौ डॉलर्स नहीं लगा सकता? जो चंद सौ डॉलर्स का रिस्क नहीं ले सकता वो कुछ भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप लोग अपने जहन में एक बात बैठा लो कि अगर तुम बातें करोड़ों की करते हो तो दुकान पकौड़ों की ना रखो। हाँ तो सीधी सीधी बात है, आप लाखों डॉलर जो है वो बनाना अगर चाहते हो तो पैसे आपको कहीं ना कहीं लगाने पड़ेंगे। वो पैसा आपके आपकी प्रोक्सीज पे जाएगा, आपकी साइट्स पे जाएगा। आप अगर लोडिंग का काम शुरू करते हैं तो उसमें कॉस्ट जाएगा, और बहुत इसमें खर्चा रिस्क है, भी है और बेनिफिट भी बहुत है। खर्चा बहुत है। अब देख, मैं देख चीज है ना, अब दुनिया में कोई ऐसा कारोबार मुझे काफी सारा, मैंने खुद मेरे रिटेल से ताल्लुक रखा, मैं जॉब की है, मैंने 10 साल जॉब की है। अब 10 साल जॉब करने के लास्ट मेरी जो सैलरी थी वो 1.5 लाख रुपया थी। 1.5 लाख रुपये में उस टाइम पे मेरा घर चलता था, और मुझे पता था कि विद आखिरी दिनों में मुझे कोई क्रेडिट कार्ड यूज करने पड़ रहे हैं, कुछ करना पड़ रहा है, पैसा नहीं बचता। अब इसी तरह इसी के अंदर जो सारी काफी सारी चीजें होती हैं इस तरह से, कि डेफिनेटली आप जब तक एक्सपेंस नहीं करते ना, तब तक आप कुछ नहीं करते। कारोबार कोई भी ऐसा नहीं है जो, अगर आप फिजिकली बिजनेस कर रहे हो ना, सपोज एक कोई चीज भी लगा रहे हो, तो उसके अंदर प्रॉफिट रेशियो 10-15% का ही है। प्रॉफिट रेशियो मतलब आपने सपोज 1 लाख रुपया लगाया है, करियाने का स्टोर है, अगर उसके ऊपर 10% का मार्जिन है जो बचत है, कि आप सोच लेंगे आप करियाने के स्टोर अगर आपकी एक दिन की 1 लाख रुपया है, तो उस पर आपको 10,000 रुपया बचेगा। तो 1 लाख रुपया लगा के अब इसमें काम में ये कि 1 लाख रुपया लगाए और 1.5-2-3 लाख रुपया बचाए। तो आप तमाम दोस्तों ने यहाँ पे ये बात भी सुनी और ये तमाम चीज़ें क्लियर होगी। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि क्या आप मुझे अभी ये सारी की सारी अमाउंट टोटल करके टोटल PKR में कन्वर्ट करके बता सकते हैं और दिखा सकते हैं कि ये टोटल कितनी अमाउंट बन रही है? सपोज चलें अभी हम यहीं पे कैलकुलेटर ऑन कर लेते हैं, CLC कैलकुलेटर ऑन हो गया। 144+ ये वन बाय वन करके भाई यहाँ पे आपके सामने अकाउंट्स को काउंट कर रहे हैं। ये एट कोई इंस्ट्रक्ट एलिमेंट नहीं है, ये एट कोई टू फेक नहीं फाइव है। आप यहाँ को प्लस सामने ये तमाम चीजें रिफ्रेश करके दिखाई हैं। ये आप तमाम दोस्तों की सिर्फ मोटिवेशन के लिए है, जितनी अर्निंग एक एक मंथ के अंदर हो रही है। अभी क्योंकि प्राइवेसी होती है, बड़ी अमाउंट दिखा नहीं सकते। ये जस्ट एक अकाउंट वन बाय वन करके आपको ये कुछ अकाउंट्स की पेमेंट दिखाई जा रही है जो आप तमाम दोस्तों के सामने रखी है। और आप तमाम दोस्तों को ये चीज बताता चलूँ कि ये जितनी भी अमाउंट है, ठीक है, ये ना समझे कि ये सिर्फ अमाउंट ही आ रही है, इन पे कोई एक्सपेंस नहीं जा रहा। इन पे प्रोक्सीज का एक्सपेंस जा रहा है, इनके ऊपर वेबसाइट की एक्सपेंस जा रहा है जो कि ADX और एडसेंस है, जो आप तमाम दोस्तों को पता है कि एक एक्सपेंस है। और कुछ अकाउंट बीच में क्लोज भी हो गए हैं और कुछ अकाउंट्स का जो रेवेन्यू है वो अभी बनना बनना है और वो रिसीव होना है। ठीक है, तो इस तरह करके जो रेवेन्यू है वो बनता है, आता है। और लाइक अगर आप $1,000 लगाते हैं, 500 लगाते हैं, 2,000 लगाते हैं, तो रिटर्न में कभी 10,000 आ जाता है, कभी 20,000 आ जाता है, कभी 15,000 आ जाता है। तो रेवेन्यू रिसीव भी होता है डेफिनेटली। और ये लोग तब ही काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर इस तरीके से काम करेंगे तो देन रेवेन्यू रिसीव होगा, जो कि आप तमाम दोस्तों को भी बताया जा रहा है। बाकी भाई अभी रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं जो कि ये प्रीवियस पिछले मंथ रिसीव हुआ है, आपकी आंखों के सामने है, और वो अभी देखिएगा इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करते हैं। अभी ये जो डॉलर्स के अंदर किए, कुछ पाउंड्स हैं, कुछ हर चीज़, लेकिन उसको मैंने डॉलर्स में इंक्लूड किया, तो मोटा मोटा ये 22,930 डॉलर बनता है। ठीक है, हम इसको डॉलर्स में ही करते हैं। तो अच्छा, बिफोर द टाइम कि आप इसको डॉलर में कन्वर्ट करो, आप मुझे सबसे पहले तो ये चीज़ बताओ कि लाइक ये अभी तो आप डॉलर में कन्वर्ट करोगे कि इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आई $22,000 बनाने में? जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3,3500 डॉलर जो है ना, इसकी कॉस्ट आती ही आती है।
कि जिसमें ये बनता है 63,84,000, जिसमें से अभी मैंने कोई 5,000 अकाउंट मेरे पेंडिंग में पड़े हुए हैं। ठीक है, यानी 10 लाख रुपए की अमाउंट लगा के तकरीबन आप 60 लाख, 60 लाख रुपए तकरीबन आप 60 लाख रुपए की अमाउंट जनरेट, ये इजीली जनरेट। इसमें इसमें क्या है, इसमें क्योंकि अब आवाम क्या काम करती है, अगर कोई लोडिंग कर रहा है, कोई एक अकाउंट दो अकाउंट पे काम करता है, तो एक दो अकाउंट का डेफिनेटली इनवैलिड लगता है, सब कुछ होता है, हर चीज है इसमें इनवैलिड भी देखेंगे तो काफी काफी इनवैलिड भी लगा होगा। अब मल्टीपल अकाउंट का मतलब ये है कि 2, 4, 6, 8, 10 भी अकाउंट आपको पेमेंट नहीं दे, 20 अकाउंट में आपको डेफिनेटली डेफिनेटली पेमेंट देनी है। अच्छा, क्या आप ये चीज ऑन कैमरा ये चीज बता सकते हैं और कह सकते हैं कि आप हर महीने काम करते हैं और आपके हर महीने ही पेमेंट आती है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, डेफिनेटली मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस महीने भी मैंने काम किया हुआ है, वो भी मेरे पास है। कुछ अकाउंट्स के इस दफा शायद ऑडिट वगैरह कुछ इश्यूज थे, मैंने कुछ एक न्यू टेस्टिंग पे गया था तो वो थोड़ी सी फ्लॉप हुई, उसके लिए थोड़ा सा अच्छा माहौल नहीं रहा, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इस महीने का भी कोई 20-25 हज़ार डॉलर का रेवेन्यू मेरे पास। यानी आप ये कह सकते हैं कि आपका हर महीने रेवेन्यू आता ही आता है, ज्यादा से ज्यादा अकाउंट्स का आ जाता है? बिल्कुल 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 बॉस, यही मैं आपको कह रहा हूँ कि आप एक दो तीन, अगर आप एक दुकान पे, सपोज नॉर्मल बंदों के लिए समझाऊं, अगर आप एक दुकान पे काम करोगे तो वो उसका काम थोड़ा चले ना चले, कहा का आए ना आए, तो इसी तरह डेफिनेटली हम मल्टीपल अकाउंट्स पे इसीलिए काम करते होते हैं कि एक से पेमेंट नहीं, दो से, सिर्फ तीन से भी पेमेंट आ जाए तो आपके टोटल एक्सपेंसेस पूरे हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको देख के कुछ यंग जनरेशन भी ये काम करना चाहेगी, तो क्या आप उसको ये काम रिकमेंड करते हैं कि वो ये काम करे या ना करे? क्योंकि कुछ यूजर ये कहते हैं कि हलाल हराम का कंसेप्ट बीच में आ जाता है, तो इसके ऊपर थोड़ी सी अपनी रोशनी डाल दें, क्योंकि अक्सर यूजर कहते हैं कि ये मतलब कि अच्छी चीज है और या बुरी चीज है, तो अगर ये अच्छी चीज है तो तब भी एक्सप्लेन करें, अगर ये बुरी चीज है तो तब भी इसको एक्सप्लेन करें। अभी मेरे पास जो मैं जिस तरह से वर्किंग करता हूँ ना, तो उसमें डेफिनेटली उसमें मेरे पास कुछ लीड्स होती हैं, कुछ हर चीज होती है। अगर मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ तो मैं उनको जो फॉर्म फिलिंग्स कर रहा हूँ उसके जो कर रहा हूँ वो एज एक्यूरेसी के ऊपर डिपेंडेबिलिटी होती है कि सपोज अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ कार्स का, तो मेरे पास उसका पीछे बैकएंड पे डेफिनेटली डाटा होना चाहिए कि यार ये बंदा इंटरेस्टेड था कार्ड्स के अंदर, तो जब डेफिनेटली उसके ऊपर जब कॉल जाएगी और सारा कुछ होगा तो वो उसको लीड्स जनरेट होगी। तो अगर हम इसमें क्या हलाल हराम का डिफरेंस, देखिए जिससे नहीं होता ना वो कहता है ये हराम है, जो हो जिससे होता है ना उसके लिए काम इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। देखिए हम अगर देखें कहीं ना कहीं एक चीज होती है, और सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, और जिस बंदे को ना नुकसान हो जाए ना वो कहता है कि ये काम हराम है, ये काम करना ही नहीं है, करना ही नहीं, और जिस बंदे को पैसा आ जाता है तो वो तो डेफिनेटली वो यही कहेगा कि भाई ये मुझे पैसा आ रहा है, तुम भी करोगे तो तुम्हें भी पैसा आएगा, लेकिन इस काम में कंसिस्टेंसी चाहिए। और कुछ यूजर्स ऐसे भी होते हैं कि उनके पास सिर्फ होता ही $100 है, $200 है, $1000 है, तो वो क्या काम करते हैं, उनके पास सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, तो जब उनका वन टाइम ही लॉस हो जाता है तो वो भाग जाते हैं और वो कहते हैं कि भाई मेरे से तो ये काम हुआ ही नहीं और मुझसे तो ये सही तरह से बना नहीं, ये काम हराम है, ये है वो है। बाय द वे एक छोटी सी बात करता हूँ, देखो ये बात नहीं है कि ये चीज़ गूगल को नहीं पता, डेफिनेटली ये चीज़ गूगल को पता है और ऑफिशियली, ठीक है, गूगल को, गूगल के पास एक एक चीज़ का रिकॉर्ड होता है, एक एक चीज़ का डाटा होता है, कोई अगर ये, और गूगल की अपनी जो विजिटर्स है ना वो यहाँ पे अगर देखें तो 50 बिलियन प्लस का विजिटर है, और पूरी दुनिया में 50 बिलियन आबादी है ही नहीं, तो सोचें इतनी कोई डिवाइसेस हैं, गूगल के पास इतने यूजर कहाँ से है। तो गूगल हमेशा, गूगल का यही कंसेप्ट होता है कि मेरे पास जितना भी विजिटर आ रहा है, ठीक है, और विजिटर्स और एडवर्टाइजर, अब गूगल के पास ज्यादा से ज्यादा जब एडवर्टाइजर आता है ना तो उसके पब्लिशर की नीड होती है, और उसने कुछ ऐसे एड्स होते हैं जैसे उसके ऊपर इंप्रेशंस ही सर्व करने होते हैं जो पीछे से एडवर्टाइजर की डिमांड होती है, जब एडवर्टाइजर की ये डिमांड होती है तो देन अगर उसके ऊपर ये इंप्रेशन जाते हैं, व्यूज जाते हैं, क्लिक्स जाते हैं, तो देन उस हिसाब से देखा जाए तो ये रेवेन्यू बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल आप एक्यूरेट कह सकते हैं। अदरवाइज अगर ये चीज है तो गूगल आपको पता है कि वीपीएन के ऊपर, प्रोक्सीज के ऊपर एड्स नहीं चाहे तो नहीं भी शो कर सकता। हो सकता है कि मैं इस चीज में गलत भी हूँ, रॉन्ग भी हूँ इस थ्योरी के ऊपर, लेकिन आप लोग इन चीजों को बेहतर समझते हैं और ये हलाल है या हराम है इस कंसेप्ट को आप खुद ही समझ जाएंगे जब आप चीज, एक चीज देखते हैं ना, एक मालिक को पता है कि मेरे घर में चोर आ रहा है, वो चाहे तो अपनी दीवार बना सकता है कुछ उसके लिए सिक्योर कर सकता है, लेकिन गूगल क्यों नहीं सिक्योर कर रहा है, गूगल को इन तमाम चीजों का पता है, वो खुद करवा रहा है। तो मेरा मानना ये है, बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ, आप कुछ राय दे भी सकते हैं। बाकी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा करता हूँ, देखिए अब ये जो हम काम करते हैं मतलब एडवर्टाइजर के क्लिक काम कर दिया तो इससे उसको भी बेनिफिट है क्योंकि उसकी भी साइट रैंक होगी, ठीक है, अब उसके ऊपर भी उसकी भी रैंकिंग इंक्रीज होगी कि इसके ऊपर इतना यूजर आया, और उसकी जो TADA जो भी बनती है वेबसाइट्स के ऊपर, ये तो ब्लॉगिंग के अंदर होता है, बट उसकी जो स्ट्रेंथ होती है कि इसके ऊपर यूजर आ रहा है, इसके ऊपर स्टे कर रहा है, और उसके ऊपर वो उसके अंदर और भी इसकी स्ट्रेंथ होती है। डेफिनेटली आपको पता है
कि जो लीड्स होती हैं, प्रॉपर लीड्स होती हैं, वो इस चीज़ को देखती होती हैं कि यार इसके पास कितना यूजर्स आया है। कंपनीज जो डेफिनेटली कंपनी जो कंपनी बिजनेसेस होते हैं, बी टू बी जिसको बिजनेसेस कहते हैं, जो हाई ई सी पी एम जो एड होते हैं वो डेफिनेटली बी टू बी के ही होते हैं, ठीक है, जो आपको ई सी पी एम अच्छा देते हैं, रेवेन्यू देते हैं। तो जैसे कि $200 का कोई मुझे, हमें तो आजकल हंसता था कि इम्प्रेशन 5-7 दिखाने और उसका 300 क्लिक मारा हुआ है तो जनाब वो 300 का कर दिया, लेकिन जैसे ही वो वर्किंग करते हैं वो ई सी पी एम नीचे आते हैं, वो वहाँ से आगे कुछ दिखाता नहीं है। और यहाँ पे एक और बात भी करता सर, यहाँ पे तो आपको भाई ने तमाम चीज़ें बिल्कुल डिटेल में क्लियर की हैं, क्योंकि आप तमाम दोस्तों के सामने ये वो पर्सन बैठा है जो कि खुद एक प्रोफेशनल है और पाकिस्तान में बैठ के इतनी करोड़ों रुपए की अमाउंट हर मंथ जनरेट कर रहा है। ये बात अलहदा है कि उसे कहते हैं कि हर यूज़र इस काम को नहीं समझ सकता, हर यूज़र इस काम को नहीं कर सकता, जिनके लिए अलहदा से सेपरेटली ये गाइडेंस बनाई जाती है और गाइडेंस रखी जाती है। आप तमाम दोस्तों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तमाम दोस्त ये समझते हैं कि हम भी इस काम को कर सकते हैं, तो पहले इस काम को समझने और करने की कोशिश करें, देन आप इस काम में आए, ठीक है। अदरवाइज किसी को ये काम हम रिकमेंड नहीं करते। ये आप तमाम दोस्तों के लिए एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है, जिससे आप तमाम दोस्तों को देख के सीख के काफ़ी ज़्यादा सीखने को मिलेगा और बेनिफिट भी होगा। तो खैर आप मुझे ये ना अभी अमाउंट कन्वर्ट करके दिखा दें कि ये ये अमाउंट मेरे मैंने की बन रही है। दिखा दी है तकरीबन लमसम, ये 63,84,466 रुपीज़ बनते हैं। हाँ, आप किसी भी कारोबार में मुझे इतनी अमाउंट दिखा दें कि आपने 10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए लगाया और 60 लाख रुपए कि इतना प्रॉफिट निकाला हो, तो ये कितने परसेंट, 600% आपने तकरीबन हाँ क्रिप्टो में इतना देखा होगा, ये से ज्यादा क्रिप्टो में देखा होगा, उसके साथ कोई और बिजनेस ऐसा है ही नहीं है कि जो चंद दिनों के अंदर इतना ज्यादा आपको प्रॉफिट दे दे। तो आई होप आप तमाम दोस्त इसको समझ गए होंगे। अच्छा, मेरे कुछ और छोटे छोटे क्वेश्चन है। यूजर ये कहता है कि उनका ई सी पी एम ड्रॉप हो जाता है, ई सी पी एम कम हो जाता है, तो इसका कोई मसले का हल है? सर, मैं एक चीज़ जानता हूँ, ड्रॉप एक होना अलग चीज़ है और ई सी पी एम उठना ना आना वो एक अलग चीज़ है। अब जो ई सी पी एम जहाँ पे मेरा ड्रॉप होता है, जहाँ पे मुझे उसको देखता हूँ 1-2 घंटे 3 घंटे, अगर वो ड्रॉपिंग मुसलसल दे रहा है तो मैं उस साइड को छोड़ देता हूँ, मैं उस पर मेहनत ही नहीं करता, क्योंकि डेफिनेटली ओवर टाइम बहुत है, इतना कंज्यूम, मैं उसके सेटिंग में एड यूनिट्स चेंज करूंगा, कोई ये करूंगा, उस पर थोड़ी सी ट्रैफिक डालूंगा, तो वो एक अलग सिनेरियो बन जाता है। और जो ई सी पी एम उठता नहीं है, तो डेफिनेटली वो इसका मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ई सी पी एम आपका तभी उठेगा अगर आपके 500+ क्लिक्स होंगे। आपने 500+ क्लिक्स कर दिए, एक दिन में कर दें, 2 दिन में कर दें, 3 दिन में कर दें, चौथे दिन आपका ई सी पी एम खुद ही उठ जाएगा। यानी आप खुद लाजमी इतनी क्लिक्स करने ही करने हैं। डेफिनेटली ठीक है। रिसेंटली मैंने अपनी एक वीडियो भी डाली, आप मेरे यूट्यूब चैनल के पर जाके वो वर्डिंग की वीडियो देख सकते हैं, शेख जहीर अब्बास नाम का चैनल है, आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगी। जैसा कि मैंने उस वीडियो के अंदर दिखाया है कि मुझे $1,000+ की सी पी सी मिल रही है, तो मेरे कितने इंप्रेशन थे आपने देखा होगा, 1 लाख से प्लस के इंप्रेशन थे, एक क्लिक के ऊपर $1,000+ की सी पी सी थी और वो रेवेन्यू भी काउंट होता है, वो रेवेन्यू भी मिला है। तो बात करने का मकसद ये नहीं है कि यूजर कहते हैं कि हमें सी पी सी नहीं मिलती, सी पी सी कम मिलती है, या ये इशू है, ये वो फलाना ढिमकाना, एक्चुअली हमसे वो काम हो ही नहीं पाता और हम उस चीज़ को रीच ही नहीं कर पाते। और जब बंदा जिस चीज़ को जिस पर्सन के जो चीज़ इम्पॉसिबल है ना, तो वो यही कहता है कि भाई ये मुझसे तो कभी होती नहीं है और ये झूठ है। और जिस बंदे ने आज तक ऑनलाइन फील्ड से कोई पैसा नहीं कमाया ना, तो इसलिए वो उसको फ्रॉड ही कहेगा डेफिनेटली। तो खैर एक लास्ट क्वेश्चन ये बताइएगा, क्या आप कोई ऐसी टिप देना चाहेंगे इन यूजर को, अगर कोई यूजर ये काम करना चाहेंगे? और सॉरी फॉर दैट कि एक चीज के बारे में पूछना चाहूंगा कि आपको इस चीज की नॉलेज इतनी ज्यादा कहाँ से आई एडसेंस अवॉर्डिंग के बारे में? अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसका बताऊंगा जो यूजर्स इस काम को करना चाहते हैं। मैंने बेसिकली ये काम देखा, समझा एडसेंस का, उसके बाद में बीच में आ गया रीसेलिंग का, और मुझे एडसेंस का पता था छोटी मोटी थोड़ी सी वीडियो, लेकिन एड मैनेजर को जो प्रॉपर मुझे पता लगा वो मुझे आपकी फर्स्ट वीडियो जब आपने ऑर्डर की 2 साल पहले, होप डेट कि आपने जब किया था कि ये एक कंपनी होती है, ये ऐसे मिलती है और एड एक्सचेंज ऐसे वर्किंग करते हैं, ऐसे वर्किंग करते हैं, लिटरली कि मैं 3 दिन और 3 रातें नहीं सोया, मैंने मुसलसल उस पर काम किया, मुसलसल देखा। उसके बाद फिर मेरे पास थोड़ा सा पैसा नहीं था कि मैं उस चीज़ को इन्वेस्ट करता या मैं उस चीज़ में लेता। मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए जो भी एडसेंस लोडिंग वगैरह के थे, वहाँ पे मैंने अपनी सर्विसेज देना शुरू की, वहाँ पे मैंने अपना ट्रस्ट डेवलप किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफ़ी सारे रीसेलर्स, काफ़ी सारी मार्केट भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जानते हैं। निकनेम में अभी नहीं बता सकता क्योंकि काफ़ी सारे देखने वाले होंगे, तो डेफिनेटली बाई फेस मुझे कोई भी नहीं जानता, बाई नेम मुझे जानते हैं। तो इसके लिए यही चीज़ है कि आप सबसे पहले उसको सेल आउट करना सीखें, रीसेलिंग करें उसकी, उसके ऊपर नॉलेज गेन करें। और मुझे जितना भी नॉलेज हासिल हुआ जिसके ऊपर थोड़ा बहुत, ई सी पी एम फ्लोरिंग साइजिंग कैसे होते, एड, सबसे बड़ी बात मैंने अप्रूवल ले लिया, मुझे एड्स लाइव नहीं करने आते थे, वो सर आप थे कि जिसकी अब मैंने वीडियो देखी, मैंने हालांकि काफ़ी सारे बीच में थे बट उनके इतने तरीके कार से नहीं समझाया था, लेकिन आपकी जब मैंने एड्स लाइव करने वीडियो देखी, मेरा फर्स्ट एड लाइव था
था और मेरे फर्स्ट अप्रूवल जो ऑलरेडी का सेल किया था 50,000 रुपीज का था। तो वैसे यहाँ पे बात को रोक रहा हूँ, तो आप तमाम दोस्तों को भी मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि देखो अगर स्टार्ट में आपका बजट नहीं है ना, जिस तरह भाई अपनी जर्नी बिता रहा है, और क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि आप शुरू दिन से कोई अमीर घराने के हैं? नहीं नहीं नहीं, या मैं बहुत ही स्ट्रगलिंग क्लास से था। लास्ट मैंने आपको जैसे को बताया 10 साल मैंने रिटेल में जॉब्स किए, आउटफिटर्स में मैंने जॉब की है, लाइमलाइट ब्रांड में जॉब की है, और खादी में मैंने जॉब की है। मैंने अपना सफर आगाज जो किया था 2015 में खादी से किया था एज अ सेल्समैन, 4 साल वहां पे किए, फिर मैं आउटफिटर्स में एज असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर ज्वाइन हुआ, वहां पे मैंने 1 साल में प्रमोशन की, 2 साल में आउटफिटर्स डीएचए वाई ब्लॉक लाहौर में मैं ब्रांच मैनेजर रहा, उसके बाद मैं लाइमलाइट गुजरांवाला में भी ब्रांच मैनेजर रहा, डेढ़ साल वहां पे मैनेजर रहा, उसके बाद फिर कोविड के बाद मैं वहां पे लाइमलाइट चला गया था, उसके बाद साल डेढ़ साल मैंने वहां पे किया, फिर मैंने कहा यार 1-1.5 लाख रुपया क्या था, फिर मैं थोड़ा सा सर्चेस वगैरह की उसमें, फिर कुछ आपकी वीडियोस आई कुछ, फिर मैंने उसको हल्का फुल्का टेस्टिंग किया। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप जॉब करें ना, जॉब को कंटिन्यू करके इसको एज अ पार्ट टाइम लेके चलें। आप इस वक्त इसको पार्ट टाइम लेके चलते थे? मैं मेरी ये था, मेरे साथ सिनेरियो ये था कि मेरी जॉब चली गई थी, ठीक है, तो वो डेफिनेटली मेरे पास करने को कुछ नहीं था और सब कुछ, फिर मैंने सर्चिंग वगैरह की सारा कुछ। सबसे पहले मैंने जो एंट्री ली थी इस फील्ड में वो यूट्यूब चैनल से ली थी, उस टाइम पे मैंने यूट्यूब का चैनल 12,000 रुपए का एक लिया था, 2 चैनल मैंने उस टाइम पे बाय किए थे, तो मैक्सिमम मेरे ख्याल से 2 घंटे मैंने उस पर क्लिक ही नहीं मारी, पता ही नहीं होता था क्या सीन है, 2-3 क्लिक किए वो डिसेबल हो गए, बड़ा परेशान क्या होगा, फिर एडसेंस का नाम सुना, फिर करते करते फिर कुछ आपकी वीडियोस आई, उससे कुछ लर्निंग वगैरह सीखी और कुछ और लोगों के सीख, लेकिन उनका इतना नहीं, लेकिन जो एडसेंस लोडिंग मैंने फर्स्ट जो साइट की थी वो पार्टनरशिप पे की थी, फर्स्ट साइट इम्तियाज नाम का था, उस पर $1200 जनरेट किया, $1200 वाह वाह क्या बात है, पाकिस्तानी देखो उस टाइम पे डॉलर भी बड़ा अच्छा रेट पे था, तो देखा 3 लाख रुपए यार ये क्या ऐसे कैसे कैसे ये सारा कुछ यकीन ना, फिर जब वो पहला पे आउट निकला फिर वाकई यार इस तरह से कुछ होता है, फिर उसको प्रॉपर तरीके से उसके बारे सर्चिंग की सब कुछ किया, टेस्टिंग की, पैसा बहुत लगाया मैंने जो भी सीखा सर पैसा लगा के जो आजकल पाकिस्तान में ना आवाम डेफिनेटली हालात भी इस तरह के और सारा कुछ इस तरह का कि आवाम पैसा लगाते हुए ना सोचती है इधर से पकड़ उधर से पकड़ ये कर वो कर, एक वो जैसे आप वाली बात है कि $100 $200 इस तरह से इसमें काम नहीं होता, कम से कम आप उसको पैसा जमा करें, आप जो जॉब करें उसको जॉब करें, अगर आपको पैसा नहीं आप इसको रीसेलिंग सर्विसेज अपनी किसी भी किस्म की दें उसको पैसा अपना जमा करें, और फिर इस टाइम में है कि आपको पता हो कि यार ये मेरा कहीं जाया भी हो गया ना तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं पड़ेगी, अपने किचन का सर्किट जो किचन का घर का किचन है उसको सबसे पहले मजबूत करें। मेरे पास लिटरली जब मैंने इस फील्ड में आया था बिल्कुल हो गया ऑल राइट को डूबने का सारा कि आखिरी मेरी जेब में सिर्फ 5,000 रुपया था, लिटरली सिर्फ 5,000 रुपया। मैंने एक अप्रूवल फर्स्ट दिया, मुझे लड़के ने कहा कि नहीं नहीं ये तो जनाब आपने अपना इनवाइट भेज दिया सब कुछ, मैंने कहा नहीं नहीं पता ही नहीं था किसी चीज का, लेकिन वो फिर भी मैंने उसको दिया उसकी तरफ से, हाँ वो मेरे एक रेफरेंस था, उसने तसल्ली की 2 दिन हाँ ये ठीक है, उसके बाद मेरी फर्स्ट अर्निंग एक अप्रूवल की 50,000 रुपीज आई, मैंने कहा यार क्या बात है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 महीने रीसेलिंग की और मैंने उसके साथ पैसा जमा किया। तो जैसा कि मैंने अब तमाम दोस्तों को भी बताया है कि जब भी आप काम करना चाहते हैं ना तो आपके पास अमाउंट अच्छी खासी होनी चाहिए, तो देन ही आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस काम को नहीं स्टार्ट कर सकते। आप इस चीज को एक्सेप्ट करें, ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ अब बन चुका है कि भाई आप लोगों की जेब में पैसा होगा तो देन आप रेवेन्यू बनाओगे, अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं तो आपको काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा और देन उसमें भी आप पैसे कुछ ना कुछ जमा करेंगे, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे जहां से आपको अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आएगा, तो देन ही आप सर्वाइव कर सकते हैं, अदर वाइज देर इज नो वे। ठीक है, ये हकीकत है और इस बात को आपको मानना पड़ेगा। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को ये तमाम बातें समझ आ गई होंगी। तो मुझे ये बताएं, मैंने आपसे पूछा है कि आपने ये तमाम चीजें सीखी कहाँ से, यूट्यूब से सीखी, फेसबुक से, कहाँ से? सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से। और वहां पे आपने कोई पेड कोर्सेज ज्वाइन किए या आपने उसे कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं से सीखा? मैंने ना पेड कोर्सेज की तरफ आए काफी बंदे, मैंने 1-2 से शायद लिए भी थे, बट वही सब कुछ एज इट इज यूट्यूब पे भी पढ़ा था, 30,000 रुपये इवन के मैंने पे भी किया था, ठीक है, बट कोई चक्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, बट वो आपकी भी कोर्सेज काफी, आपकी वीडियोस देखी एड्स लाइव के, उसके बाद आइडिया था कि एडसेंस पे वर्किंग कर रहा था कि कैसे होगा, फिर आपने थोड़ा सा गाइड किया था उसके ऊपर कि यार इसके ऊपर इंप्रेशन बेसिस पे मिलते हैं पैसे, फिर उसके ऊपर टेस्टिंग करते करते 1-2-3 महीने में मैं उसके ऊपर आईडीएक्स पे भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह ग्रिप हो गई। वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा था आपने? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा। अच्छा, मुझे आप ये चीज बताएं कि लाइक ये इतना ज्यादा रेवेन्यू बनाते हैं तो आपको पाकिस्तान में बैठे हुए कभी कोई इशू आया है कि नहीं आया? नहीं नहीं कोई इशू नहीं आया मुझे। ठीक है, अक्सर यूजर कहते हैं ना कि भाई पाकिस्तान में बैठे इतनी अमाउंट हम बना रहे हैं, इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो कोई इशू आएगा या नहीं आएगा,
तो कभी भी कोई इशू नहीं कोई आता, इशू आप नहीं। लोगों ने बस सर्वाइव बनाते जाना है। तो आई होप लोडिंग के हिसाब से आपको जितने भी कंसेप्ट थे आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाल्लाह ताला बाकी फिर कभी किसी पार्ट के अंदर, नेक्स्ट पार्ट के अंदर बताएंगे और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्लियर करेंगे। तो आई होप आप तमाम दोस्तों को समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।